दादाजी दादाजी मेरे साथ कैरम खेलो ना। देखो बेटा मेरी बात सुनो, एक तो मेरे बाएं का दर्द है घुटनों में, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी 2-3 दिन से तबीयत परेशान है। अच्छा बेटा शाम को खेलेंगे। दादाजी दादाजी मेरे साथ खेलो, प्रीति के दादाजी तो उसके साथ खेलते रहते हैं, आप तो खेलते भी नहीं हो। देखो बेटा एक तो मुझे बुढ़ापा, ऊपर से 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दादाजी दादाजी फिर तो आप चले जाओगे, फिर मैं किसके साथ खेलूंगी? बेटा हम चले जाएंगे, लेकिन कहाँ चले जाएंगे? दादाजी मम्मी पापा कह रहे थे कि आपको छोड़ने नए घर में जाएंगे। बेटा तुम क्या कह रही हो, मुझे नए घर में छोड़ने मम्मी पापा कह रहे थे? तुमने सुना भी सही है। वो कह रहे थे कि आप 2-3 दिन में जाओगे, इसलिए आप मेरे साथ अभी कैरम खेलो। अच्छा बेटा दीवा एक बात बताओ, मैं कहाँ जाऊँगा 2-3 दिन में, मम्मी पापा छोड़ कर आएंगे? वो किसी स्थान का जगह का नाम ले रहे थे कुछ, कहाँ जाएंगे, क्या जगह बताई उन्होंने? दादाजी मेरे को नहीं पता कि वो कौन से गाँव में भेजे थे, पर वो किसी वृद्धाश्रम का नाम ले रहे थे। क्या वृद्ध आश्रम? हाँ दादाजी। इस बुड्ढे को छोड़िया वृद्ध आश्रम में। एक बात बताओ भारती, यार बाप है मेरा वो, उनको मैं ऐसी सड़क पर थोड़ी धक्के दे दूँ या ऐसी सड़क पर छोड़ दूँ? कम से कम इस बारे में उनसे बात तो करनी पड़ेगी। पापा जी आप दादाजी को कहाँ भेज रहे हो? बेटा दिव्या कहीं नहीं भेज रहे हम दादाजी को, और आप बच्चे हो, आप इन बातों पे ध्यान ना दो, आप अपना खेल खिलौने पे लगे रहो और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। कहीं नहीं भेज रहे हम उनको, हम उनको ना नए घर में भेज रहे हैं। एक घर है वहाँ जिसका नाम वृद्धाश्रम है, वहाँ वो बहुत खुश रहेंगे। देखो कुछ भी हो आप उनसे बात करो या ना करो, इस घर से जाने चाहिए वो कल को, निकालो इस घर से उनको, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती बिल्कुल भी। बेटा दिव्या तू दादाजी को बहुत प्यार करती है ना, करती है? देखो बेटा दिव्या मैं वहाँ नहीं जाना चाहता वृद्धाश्रम में, जहाँ तेरे मम्मी पापा कह रहे हैं। बेटा मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता, बिल्कुल नहीं जाना चाहता। दादाजी मम्मी पापा कह रहे थे कि वहाँ पर मन लगेगा आपका, वहाँ पर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, चले जाओ ना। बेटे दिव्या जिसे तुम वृद्धाश्रम बता रही हो और वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे और मैं खुश ही रहूँगा, बेटे वो जो वृद्धाश्रम है नहीं उसमें बहुत बुरी दुर्दशा होती है, झाड़ू लगानी पड़ती है बूढ़े आदमी को, खाना भी बनाना पड़ता है, बीमार होते हैं तो दवाई भी उपलब्ध नहीं होती है। अब बेटे तेरे माँ बाप पर मैं भारी बोझ बन रहा हूँ, अब ये बेटे मुझे घर से खेदना चाहते हैं। बेटे मैं नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता, समय से पहले मेरे वहाँ प्राण निकट जाएंगे, मेरी ये दशा दुर्दशा में बदल जाएगी। बेटे मैं नहीं जाना चाहता दिव्या, नहीं जाना चाहता। दादाजी आपको वहाँ पर खुद खाना बनाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। हाँ बेटे हाँ। ठीक है दादाजी आप मत जाना, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। बेटे जब तेरे माँ बाप कह रहे हैं तू क्या करेगी? बेटे दादाजी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ठीक है दिव्या बेटा ठीक है। पिताजी नमस्ते। नमस्ते भाई नमस्ते। मैं कह रहा था 2-4 जोड़ी कपड़े वपड़े ले लो और चलो मैं आपको छोड़ जाऊं, सारी दुनिया के बुड्ढे वहीं रह रहे। घर से ही तो जा रहे हो आप, दुनिया से थोड़ी जा रहे हो, ये तमाशा मत करो, ड्रामे मत दिखाओ यहाँ पर। चलो कपड़े रख लो, छोड़ाते हैं वो आपको, और इस बच्ची को आप रो रो कर दिखा रहे हो, क्या असर पड़ेगा इस पर? ठीक है तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा, जैसा तुम चाहोगे ऐसा ही होगा। जब अपनी औलाद ही खोटी है तो मैं दूसरों को क्या कहूँ, तुम तो फिर भी पराए घर की हो, अपनी औलाद ही ऐसा कर रही है। ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, जो हमारे भाग में लिखा है वो तो होगा ही। एक काम करो दो, उठा लो अपने कपड़े अलमारी में से और ठीक है चले जाओ। ठीक है भाई ठीक है। बेटे तू सही कह रही थी, तू सही कह रही थी, अब तो वास्तव में मुझे जाना पड़ेगा बेटे, जाना पड़ेगा। दादाजी आपको रोटी नहीं मिलेगी वहाँ? बस बेटा पता नहीं मिले या ना मिले। दादाजी फिर भूखे सोया करोगे? हाँ बेटे ऐसा भी हो सकता है, जब भूखा सोऊंगा तो प्राण निकल जाएंगे। बेटी दिव्या
हकीकत तो यह है मैं वहाँ जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ क्या क्या परेशानी होती हैं। फिर बेटा मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा, तेरे साथ कितना खेला हूँ, दोनों पढ़ते थे, दोनों खेलते थे, दोनों उछल कूद करते थे, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा, और ये मुझे धक्का दे रहे हैं घर से। तो फिर दादाजी आप मम्मी पापा को मना कर दो, आप क्यों रो रहे हो? अगर मैंने तेरे मम्मी पापा को ये कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, वे मुझे मारेंगे भी और घर से धक्का दे देंगे। आप तो बड़े हो, बड़ों को थोड़ी ना कोई पीटता है, बच्चों को पीटते हैं सब। देख बेटे ये तो सही कह रही है कि बच्चों को बड़े को नहीं पीटता। ये लो पकड़ो इसे बैग को और जाओ यहाँ से। इस बच्चे को क्या इमोशनल होके दिखा रहे हो आप? हाँ बिहाली बहू नहीं हो जो घर छोड़ के जा रही हो अपना, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, जाओ यहाँ से, बड़े बूढ़े घर में अच्छे नहीं लगते। लाला ठीक है भाई ठीक है, अच्छा हम चलते हैं भाई। ठीक है जाओ। हाँ ठीक है भाई ठीक। दादाजी मत जाओ, मम्मी पापा दादाजी को मत भेजो ना प्लीज। बेटी दिव्या मैं नहीं जा रहा, ये मेरी किस्मत जा रही है। दादाजी मत जाओ, फिर मैं किसके साथ खेलूंगी? नहीं दिव्या बेटे मैं नहीं जा रहा, ये मेरी किस्मत मुझे ले जा रही है। ठीक है बेटे मैं चलता हूँ। आपको क्यों टेंशन हो रही है दादाजी, अच्छे से रहेंगे वो यहाँ पर। चलो देखो कितना बड़ा घर है। मम्मी जब ये इतना अच्छा घर है तो जब आप पापा और आप बूढ़े होंगे तो मैं अभी आपको यहीं छोड़ दूंगी। त्यागी जी कहाँ चल रहे हो? क्या बात है त्यागी जी, सारा परिवार कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं भैया जी, पापा जी को गांव छोड़ कर आते हैं। नहीं अंकल पापा झूठ बोल रहे हैं, पापा दादाजी को वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहे हैं। त्यागी जी ये कैसे है, ये तो गलत चीज़ है। अंकल ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, इतना बड़े उस पर आपको बैठाया है ना, और आप इनको वृद्धाश्रम छोड़ना जा रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। समाज में क्या जवाब दोगे आप? अंकल जी पापा को समझाओ कि दादाजी को वृद्धाश्रम में ना भेजें। त्यागी जी देखो आज आप इन्हें भेज रहे हो, कल आपकी बेटी है, कल ही आपको भी इस तरह वृद्धाश्रम लेके जाएगी। अगर इन्हें रखो यहीं पे सेवा करो इनकी, इनका ध्यान रखो। किस लिए माँ बाप औलाद को पालती है, इसलिए पालती है। पापा अंकल की बात मान लो। ठीक है गलती होगी भाई साहब, पिताजी माफ कर दो आप, हमें गलती हो गई हमसे पिताजी। ठीक है गलती हो गई, मैं थोड़ा सा बहू के चक्कर में आके भटक गया था। ठीक है लेकिन पापा माफ कर दो। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारी आंखें खोल दी, वरना आज हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। आपने सही कहा कि आज हम पिताजी को भेज रहे हैं, कल को हमारी बेटी हमें वहाँ भेजेगी। चलो ठीक है बाबा जी आप घर चलो। चलो बेटा दादाजी कहीं नहीं जा रहे हैं। कहीं नहीं जाएंगे दादाजी, हम हमारे साथ रहेंगे। पापा सही कह रहे हैं, अब दादाजी कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बेटा अब दादाजी कहीं नहीं जाएंगे, अब हमारे साथ रहेंगे सब लोग। दादाजी देखो मैं मेले से गुड़िया लेकर आई, हमारी गुड़िया खरीद के लाई है, अभी तो हमें गुड़िया को खिलाना पड़ता है और हमारी गुड़िया को खिलाएगी। अच्छा एक बात बताओ दिव्या बेटी, तुमने इसका क्या नाम रखा है भाई? मैंने इसका नाम स्वीटी रखा है। हाँ स्वीटी, अच्छा एक काम करो भाई स्वीटी को तुम हमें दे दो। नहीं भाई, नहीं भाई दिव्या देखो अच्छी बात नहीं, हम इतने खिलौने देते हैं यार, तुम हमें दे एक भी नहीं देती तो तोड़ देती हो, लाओ इसे तो हमें दे दो। नहीं भाई देखो मैं नाराज हो जाऊंगा और फिर शाम को बाहर नहीं ले जाऊंगा, पार्क में नहीं ले जाऊंगा। दादाजी आप बच्चे थोड़ी ना, इससे तो बच्चे खेलते हैं, आप चाय पी लो हुक्का पी लो। अरे छोटी सी गुड़िया हमें शिक्षा देने लगी है, अब तू गुड़िया नहीं है, अब तू बड़ी हो गई है, अब तो नानी हो गई है तू सबकी। अरे वाह। अच्छा दादाजी मैं स्कूल का टाइम हो गया, मैं स्कूल जा रही हूँ। अच्छा
स्कूल का टाइम हो गया, एक काम करना सड़क पार आराम से करना, गाड़ी आती होगी स्कूल की, और ज्यादा बोझ मत ले जाना, छोटी जी गुड़िया समय पे आ जाना।